विश्व हिंदू परिषद से अलग होकर बने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन ने 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी के विरोध में काम करने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन वादों के साथ केंद्र में एनडीए सरकार सत्ता में आई थी, केंद्र सरकार उन मुद्दों से भटक गई है, जिसको लेकर परिषद 15 सूत्रीय मांग के साथ देश भर में आंदोलन खड़ा करेगी। मनोज कुमार ने कहा कि 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है। देश में न किसानों का सम्मान बचा है और ना ही जवानों का। किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और सीमा पर जवान मर रहे हैं। बेरोजगारों को पकोड़े बेचने के नाम पर ठगा जा रहा है। मोदी जी नहीं बदले हैं, पूरा विचार बदल गया है। मोदी जी तो एक जुमले गाने वाली मशीन कह सकते हैं। वो बहनों भाइयों कहकर लोगों को केवल और अपने सम्मोहन से, पर आज उनका सम्मोहन टूट गया है। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वह 4 राज्यों की स्थिति देखें। आज मोदी का जादू नहीं है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए कोई काम नहीं किया, धारा 370 के लिए काम नहीं किया, 35A कश्मीर में हटनी चाहिए उसके लिए काम नहीं किया, किसानों को सीटू की पद्धति पर, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर 1.5 गुना मूल्य वृद्धि मिले उस पर कोई काम नहीं किया, समान नागरिक कानून के लिए कोई काम नहीं किया, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए काम नहीं किया। इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद यह संकल्पबद्ध है, 21 अक्टूबर के बाद अयोध्या कूच करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने कहा है तुम या तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाओ या सत्ता छोड़ दो, और सत्ता 21 अक्टूबर के बाद इनको छोड़नी पड़ेगी। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।